गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गेट लगा दीजिए दोनों। चैप्टर नंबर 6 निकाल लीजिए। जिनके पास पुरानी नोट्स की नोटबुक हो वो पुरानी नोट्स की नोटबुक निकालें, साथ में एक रफ शीट भी निकालें। हो गया, कर लिया सबने? किसने सॉक्स उतार रखे हैं? अच्छा, आप इस यूनिफॉर्म में आए हो? सीधे स्कूल से यहीं लैंड हुए हो? चलिए, सो चैप्टर नंबर 6 इन अवर रिवीजन सेशन, वी विल टेक द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, एंड आफ्टर दिस चैप्टर नंबर 10। 10 11 कौन सा है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल से पहले जो पहला सर्कल वाला चैप्टर है वो, देन एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इन ऑल हमारे 6 चैप्टर्स हो जाएंगे टेस्ट कंबाइन लेने के लिए। 6 होंगे, 5 होंगे, 5 होंगे। दो तो ट्रिग्नोमेट्री के हो गए और एक ये हो गया, और दो सर्कल्स के हो गए। किसके? यस, एमसीक्यूज, और देखेंगे वो कैसा पैटर्न बनाते हैं। कुल मिला के आपको तो 5 चैप्टर्स तैयार करने हैं आने वाले दिन में। अगले लगभग 1 हफ्ते के अंदर अपन ये टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। एक नहीं, ज्यादा लगेगा क्योंकि सर्कल्स भी है। 2 हफ्ते पहले। चलो देखो, इधर आप स्क्रीन पे आइए। प्री बोर्ड तो अभी थोड़ा दूर है। प्री बोर्ड आपके बोर्ड्स के आसपास लेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 21 से हो रहे हैं। तो एक प्री बोर्ड इस मंथ के एंड के आसपास, लाइक 30 या 31 जनवरी के आसपास, और एक प्री बोर्ड हम लेंगे लगभग 10 फरवरी के आसपास या 7 या 8 फरवरी के आसपास। एक वीक के गैप में लेंगे 2 प्री बोर्ड। ठीक है, ठीक है, आ गए आप? हैप्पी न्यू ईयर। कहाँ चले गए थे? तबीयत खराब हो गई थी न्यू ईयर में ही, पहले हो गई थी? ठीक है, एनीवेज, चलिए अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। सो द नेक्स्ट चैप्टर इन द टॉपिक इज ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स के बारे में इस साल हमको क्या क्या सीखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक्स फटाफट से नोट डाउन करते हैं क्या क्या चीजें इस साल हम ट्राइंगल्स एज ए ज्योमेट्री का ये जो पोर्शन है इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा सबसे इंपॉर्टेंट बीपीटी है, ये इसी साल है, जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। ठीक है, सेकेंड चीज विच कम्स इन दिस चैप्टर इज वॉट? 4। अरे वो तो बीपीटी का ही पार्ट हो गया ना, एक एक्सरसाइज पूरी इसकी हो गई ना, एक एक्सरसाइज इसकी हो गई, उसके बाद 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के क्या क्राइटेरिया होते हैं, वो 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम कवर करेंगे। फिर एक एक्सरसाइज कौन सी बचती है? एक तो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज। क्या दोनों का कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज है क्या? हाँ सुनिए, एक इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज इससे ऊपर है, इससे ऊपर है इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज, जिसमें हम ट्राइंगल्स की दो फिगर्स की सिमिलैरिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दो फिगर्स की सिमिलैरिटी के बारे में। अब सुनिए, एक काम करते हैं हम लोग, ये वाली बीपीटी वाली पार्ट सबसे पहले पकड़ते हैं। क्या समझे? सबसे पहले अपन पकड़ते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फिर पहला और तीसरा पार्ट एक साथ पकड़ेंगे, क्योंकि पहले पार्ट में भी सिमिलैरिटी के बारे में बताया गया है और तीसरे पार्ट में भी सिमिलैरिटी के बारे में बताया गया है। पहले पार्ट में सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू फिगर्स हैं और इसमें सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स हैं, उसमें कोई से भी फिगर्स हैं, इसमें ट्राइंगल्स हैं, तो है कनेक्टेड टॉपिक। तो हम ये वाले दोनों टॉपिक फिर एक साथ ले लेंगे। आज अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि शायद सेकेंड एक्सरसाइज हो गई है बाकी, अपन ने फर्स्ट को मिस कर दिया। तो ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, सो द टॉपिक नेम क्या हो गया? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड करी थी इस थ्योरम से रिलेटेड,
नोट्स में ये वाला पेज निकाल लीजिए और यहाँ ध्यान दीजिए, और जिन बच्चों ने नहीं करी थी वो भी हाल फिलहाल तो यहाँ ध्यान दीजिए, और फिर घर जाके आज ये थ्योरम नोट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में, ठीक है। एक बार हाथ खड़े कर दीजिए वो बच्चे कौन कौन से हैं जिन्होंने जब ये चैप्टर करवाया था तब वो एबसेंट थे, एबसेंट थे, आप थे प्रेजेंट सक्षम, इंट्रोडक्शन में एबसेंट थे, इस टॉपिक में आ गए थे, इस टॉपिक में आ गए थे, ये नोट डाउन क्या हुआ है नोटबुक में, तो नोटबुक में नोट डाउन क्यों नहीं है अगर आ गए थे तुम, नहीं थे मतलब, हाँ सक्षम आपके नोटबुक में नोट डाउन नहीं है, निकालो आप घर पे रुका करो ना, क्यों तकलीफ देते हो अपने आप को और हमको, आधे से ज्यादा चीजें आपके घर पे ही पाई जाती है, तो आप क्यों बाहर पाए जाते हैं। कल से मैथ से रिलेटेड कोई भी नोटबुक और जो टॉपिक चल रहा है स्पेसिफिकली उसकी बात कर रहा हूँ, वो घर पे नहीं रहनी चाहिए, मैं कहूँ मुझे उसी टाइम प्रेजेंट करनी है मैं वापस घर ही भेज दूंगा, सुन लिए ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सबको अपनी नोटबुक्स टॉपिक से रिलेटेड नोटबुक तो एटलीस्ट लेके ही आनी, ओके। एनब आप थे प्रेजेंट, तो अभी क्या कर रहे हो, हेडिंग, ओके चलो आइए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हमको ये सीखना है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम जो होती है, थेल्स थ्योरम इसका नाम इसलिए क्योंकि थेल्स नामक मैथमेटिशियन ने इसको डिस्कवर किया या इवॉल्व किया, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया। और इसका नाम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्यों है, ये कहीं ना कहीं प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, इसलिए भी हम थ्योरम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, प्रोपोर्शन मतलब होता है रेशियो, कहीं ना कहीं इसका इसका लेना देना रेशियो से, किससे है रेशियो, अब किसका रेशियो वो समझना है, वही थ्योरम को हमको समझना है जिससे हमको पता चले भाई किस चीज का रेशियो है। तो पहले मैं आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती क्या है वो बता देता हूं, और फिर इसका प्रूफ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो लेट्स से ये एक ट्रायंगल है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन ए ट्रायंगल या इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर एप्लीकेबल होगी, अगर ट्रायंगल ही नहीं है तो बीपीटी वहां पे लगी नहीं सकती, ठीक है, मिल गया ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल का नामकरण कर दिया हमने ए बी सी, करण बताओ इस ट्रायंगल एबीसी में कितनी साइड्स हैं, तीनों साइड्स के नाम बता दो, ए बी दूसरी साइड, बी सी तीसरी साइड, ए सी, यहां तो कोई डाउट, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, तीन साइड्स दिख रही हैं, तीन साइड्स के नाम मैंने लिख दिए ए बी बी सी ए सी, नो डाउट एट ऑल। अब थेल्स थ्योरम क्या कहती है या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि एक ट्रायंगल की तीन साइड्स में से टेक एनी टू साइड्स यू लाइक, टेक एनी टू साइड्स विच यू लाइक, कोई सी भी दो साइड्स एट ए टाइम कंसिडर कर लो, तो लेट से मैं पहली बारी में ए बी और ए सी को कंसिडर, तीन केस बनेंगे, एक बार ए बी ए सी को लेंगे, एक बार ए बी बी सी को लेंगे और एक बार बी सी ए सी को लेंगे, तो पहला केस बनाने चलें तो सबसे पहले हम ए बी और ए सी को ले लेते हैं, ले लिया, और फिर दूसरी साइड क्या है बी सी, क्या कहता है ये, हाँ बताओ कौन कौन था, आप क्या कर रहे हो, ट्राइंगल बनाने में इतना टाइम, चलो अब यहां पे ध्यान दो, बना लिया तो भी यहां पे ध्यान दो और नहीं बनाया तो भी यहां पे, सुनिए अगर हमने ट्रायंगल ए बी और साइड ए बी और ए सी कंसिडर करिए, तो अब अपने को एक ऐसी लाइन बनानी है जो बी सी के तो पैरेलल हो, जो बी सी के तो, और ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करती हुई जाए, अब देखो बी सी के पैरेलल तो यहां पे भी लाइन बन सकती है, पर ये ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है क्या, कर रही है क्या, नहीं, पर अपने को एक ऐसी लाइन बनानी है, लाइन कह दो या लाइन सेगमेंट कह दो जो BC के तो पैरेलल बने और AB और AC को इंटरसेक्ट करती हुई जाए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो लेट्स से वो लाइन मैंने ऐसे बना दी, लाइन पैरेलल बनानी है, ये लाइन L बना दी, क्या बना दी मैंने लाइन L, और ये BC से पैरेलल दिखाई दे रही है और ये AB और AC को इंटरसेक्ट भी कर रही है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगी, लेट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बी P एंड Q, लेट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बी P एंड Q, ओके। अब क्या होगा अगर ऐसा हो जाए कि एक लाइन हम बना दें ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल, बची हुई दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई, तो वो जो लाइन है एल पैरेलल जो हमने बनाई है
वो उन दोनों साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी। क्या करेगी? बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी। जैसे ही मैंने एक पॉइंट मार्क किया एक साइड पे, तो ये ए बी साइड डिवाइड हो गई, कुछ पोर्शन ऊपर रह गया, कुछ पोर्शन नीचे। अब हो सकता है आधो आधा डिवाइड हो, हो सकता है ऐसे डिवाइड हो 1/4, हो सकता है ऐसे डिवाइड हो 1/4 और 3/4, हो सकता है ऐसे डिवाइड हो कि 15% पीछे पीछे से पर जितनी भी रेशियो में डिवाइड हो सकती है। सिमिलरली अगर क्यू पॉइंट पास किया तो ये जो लंबाई है ए सी लंबाई, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, हो गई तो या नहीं हुई। अब अगर आपने लाइन एरे को इसके पैरेलल बनाया है तो जिस रेशियो में उसका बंटवारा हुआ है उसी रेशियो में इस साइड का बंटवारा हुआ होगा, यानी कि एपी और पीबी का जो रेशियो है वो एक्यू और क्यूसी के रेशियो से एग्जैक्टली मैच करेगा। अगर एपी और पीबी का रेशियो 1/2 है तो उधर एक्यू और क्यूसी का रेशियो भी 1/2 होगा। अगर इधर रेशियो 1/3 तो उधर भी रेशियो 1/3 होगा। कब होगा? अगर लाइन पैरेलल, अगर लाइन दूसरी साइड के नहीं है, समझ गए? अब देखो एक एग्जांपल दो, इसी ट्रायंगल में एक नॉन पैरेलल लाइन है, ये तो मैंने पैरेलल बनाई है, अब देखो मैं नॉन पैरेलल बनाता हूं, तो आप वहीं से आप समझ जाओगे कि फिर अगर लाइन पैरेलल बनेगी तो ही इक्वल रेशियो में डिवीजन होगा। लेट्स से एक और लाइन बना दी मैंने पी से गुजरती हुई, लेकिन अब की बार पैरेलल नहीं बनाई, ये लाइन पैरेलल नहीं है ना, चेक करो ये बीसी से पैरेलल नहीं है ना। लेट्स से इस लाइन को मैं एम ले लेता हूं। अब आप ध्यान से देखो, लेट्स से अगर ये पॉइंट आर है तो आप ध्यान से देखो एपी और पीबी का जो रेशियो है वो कहीं से भी किसी भी एंगल से एआर और आरसी के रेशियो से मैच कर रहा है क्या? तो रेशियो मैच क्यों नहीं करा? क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं बनाई। और यहां पे जब मैंने लाइन पैरेलल बनाई थी तो आप चेक करो ये दोनों रेशियो एग्जैक्टली मैच कर रहे होंगे, कौन से? ए पी और पी बी का रेशियो किससे मैच कर रहा होगा? ए क्यू और क्यू सी के रेशियो से। मैथमेटिकली लिखें तो क्या लिखेंगे? ए पी बाय पी बी इक्वल टू, ये रिजल्ट है, ये इसका क्या है? रिजल्ट बीपीटी का। और गिवन पॉइंट क्या है इसके लिए? इसके लिए गिवन पॉइंट है कि लाइन एल बीसी के पैरेलल है, लाइन एल इज पैरेलल टू, ये गिवन हो तो ये रिजल्ट मिलेगा बीपीटी में, समझ गए? और कन्वर्स हो बीपीटी में ये गिवन होगा, वो रिजल्ट मिलेगा। उल्टी बात भी सही होगी ना, अगर मैं कहूं कि यार ये इनका बंटवारा बराबर रेशियो में हुआ था, दैट मींस लाइन आपने पैरेलल बनाई थी, ठीक है? तो ये गिवन हो गई, ये रिजल्ट बना है, तो बीपीटी लग रही है, और ये गिवन हो गई, ये रिजल्ट बना है, तो फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग रहा है। तो अपने को बीपीटी भी लगानी है किसी क्वेश्चन में, अपने को किसी क्वेश्चन में कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी लगानी है, लेकिन प्रूफ केवल अपने को बीपीटी का ही पढ़ना है एज पर आवर बोर्ड सिलेबस। यानी कि ये गिवन हो तो ये कैसे प्रूव करेंगे? ये अपने को इसका प्रूफ अपने को आना चाहिए। तो ये चीज समझ में आ गई हो तो मैं प्रूफ की तरफ चलूं, चलें? अच्छा आगे सुनो, अगर सर आपने बीसी के पैरेलल बनाई, किसी और के पैरेलल बनाए तो क्या होगा वो भी देख लो फटाफट से क्विकली। अब मैं बीसी के पैरेलल नहीं बना रहा हूं लाइन को, बोलो बीसी के अलावा एबी और एसी में से किसी भी एक साइड को चुनो उसके पैरेलल, एसी के पैरेलल बनाऊं तो एसी के पैरेलल लेट्स से मैंने लाइन एल बना दी अब की बार, तो अब मयंक आप ही बताओगे ये लाइन एसी के पैरेलल मैंने एल लाइन खींच दी और दो पॉइंट्स पे काट रही है, अब की बार ये पी ले लो और ये क्यू ले लो, तो मुझे बताओ क्या रेशियो बनेगा बीपीटी के अकॉर्डिंग? एपी डिवाइडेड बाय पीबी, आगे पी और फिर बी क्यू बाय गलत सी क्यू बाय पीबी। देखो आप छोटे से बड़ा रेशियो ले रहे हो तो उधर साइड भी छोटे से बड़ा लो, और अगर आप बड़े से छोटा ले रहे हो तो उस साइड भी बड़े से छोटा लो, ठीक है? अब मैं मेरी बात सुनो ध्यान से और बाकी बच्चे भी सुनो। आप देखो इसमें एपी बाय पीबी इक्वल टू सी क्यू बाय क्यूबी भी लिख सकते हैं, और कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है कैसे, बीपी बाय पीए इक्वल टू बी क्यू बाय, उसी रेशियो का रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, दैट मीन जैसे पहला वाला था इसका रेसिप्रोकल भी तो बना सकता हूं मैं। तो स्टैंडर्ड तरीका क्या है लिखने का, स्टैंडर्ड तरीका क्या है? तो स्टैंडर्ड तरीका सुन लो सब लोग, इधर देखो स्क्रीन पे, बड़ा सरल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने किसके पैरेलल बनाई है मुझे बताओ? एसी के, तो कौन सा वर्टेक्स बच गया? तो आप स्टार्टिंग बी से करो, जैसे पहले आपने इसके पैरेलल बनाई थी तो वर्टेक्स ए बच गया था, तो जिसके आप पैरेलल बना रहे हो उस साइड को छोड़ के जो वर्टेक्स बच गया वहां से रेशियो को लिखना प्रारंभ करें, समझ गए?
तो अगर हमने एसी के पैरेलल बनाई है तो आप ए और सी को तो भूल जाओ, बी से स्टार्ट करो और बी से पी पे आओ, पी से ए पे आओ, देन बी से क्यू पे आओ, क्यू से सी पे आओ, समझ गए? चलो आप ही बताओ मयंक, अगर मैं पी क्यू से एसी से पैरेलल ना बना के एक साइड और बच गई लगे हाथ उसको भी ले लो, कौन सी बच गई? ए बी। अब की बार ए बी के पैरेलल बनाते हैं, चलो मयंक नहीं बताएगा अब की बार, सक्षम बताएगा। लाइन ए बी के पैरेलल मैंने लाइन एल बना दी अब की बार साइड ए बी के, और लेट से अब की बार ये तो है पी और ये है क्यू, क्या रेशियो बनाओगे सक्षम? किसके पैरेलल बनाई आपने? तो फिर ए बी को तो भूल जाओ, वर्टेक्स कौन सा बचा? अरे वर्टेक्स कोना, अरे कोना सी बचा, तो सी से स्टार्ट करो रेशियो को लिखना, सी पी बाय पी ए इक्वल टू सी क्यू बाय क्यू बी, समझ आया अभी सभी को? तो किसी के बीच भी साइड के पैरेलल ना बनाए तो हम रेशियो बना सकते हैं, और ये रेशियो हमको कौन बना के दे रहा है? बीपीटी बना के दे रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ बीपीटी ये रेशियो हमको मिल रहा है। अब क्यों मिल रहा है इसका प्रूफ अपने को सीखना है, ये तो हमने याद कर लिया कि ऐसा होता है, पर क्यों होता है, इसके क्या सबूत है कि ऐसा ही होगा? ठीक है चले आगे, तो प्रूफ की तरफ बढ़े बेटा। ओके, और प्रूफ इंपॉर्टेंट है, आगे तो चार नंबर या तो देके जाएगा या लेके जाएगा, लेके जाएगा मतलब नहीं आएंगे मार्क्स, हाँ या तो आप लेके जाओगे या आपके लेके जाएगा वो, ठीक है। एनीवेज आइए एबीसी लाइन एल पैरेलल बना देता हूं। अब सुनो एक और चीज, हमने कहा लाइन एल पैरेलल बनाओ बीसी के, तो आधे से ज्यादा बच्चे मिड पॉइंट पे बनाते हैं, क्यों भाई? आपको कहा है क्या किसी ने मिड पॉइंट पे बनाओ? तो स्पेशल केस कभी नहीं बनाना, स्पेशल केस कभी नहीं बनाना, हमेशा जनरल केस बनाना है। तो आप या थोड़ा सा ऊपर बना लो चलेगा, थोड़ा नीचे बना लो चलेगा, लेकिन मिड पॉइंट पे ना बनाए, ओके? क्योंकि मिड पॉइंट पे अगर आप बनाओगे तो फिर आप मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करने पे चले गए, और मिड पॉइंट थ्योरम भी एज एक स्पेशल केस है इसका बीपीटी का, ठीक है? क्या देखो रूल तो नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग तो आप कहीं भी बना सकते हो, लेकिन आपने किसी थ्योरम को किसी स्पेसिफिक केस के लिए प्रूव किया है तो वो थ्योरम नहीं है। थ्योरम एक ऐसी चीज होती है जो हर प्रकार के केस में प्रूव हो, आपने तो केवल उसी केस के लिए प्रूव किया जब वो लाइन मिड में बन रही है, तो फिर वो थ्योरम किस काम की, समझ गए? ठीक है, वो थ्योरम ही क्या जो स्पेसिफिक केस पे लगे, थ्योरम हमेशा जनरली हर केस पे लगनी चाहिए। एक और चीज, ट्राइंगल भी आपको स्केलिन बनाना है जैसा दिख रहा है, कई बच्चे ट्राइंगल भी इक्विलेटरल बनाते हैं बिल्कुल, तो क्या बीपीटी थ्योरम केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए है क्या? क्या बीपीटी केवल आइसोसेलेस के लिए है क्या? तो यू विल ऑलवेज ड्रॉ ए स्केलिन ट्राइंगल बीपीटी थ्योरम प्रूव करने के लिए, और फिर लाइन भी हम पैरेलल थोड़ा नीचे से खींचेंगे, ठीक है? चले आगे, अब थ्योरम समझ लो बेटा ढंग से, बाकी लिखने का काम आप घर से भी कर सकते हैं, पहले भी लिखा हुआ है आपके पास, और फिर घर जाके आप टाइमर सेट करके थ्योरम का प्रूफ अपने आप लिखने की आज के आज ही कोशिश करेंगे। ये हो जाना चाहिए मैक्सिमम 10 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स में फिगर और पूरा प्रूफ इसका हो जाना चाहिए। चलो इधर देखो स्क्रीन पे, लाइन एल पी क्यू, क्या कह रहे हो? ठीक है, गिवन पॉइंट बताओ इस थ्योरम के, गिवन पॉइंट क्या हो जाएंगे? गिवन पॉइंट क्या हो जाएंगे कि ट्राइंगल एबीसी में लाइन एल बी सी के पैरेलल, लाइन एल कह दो या पी क्यू कह दो, सीधे पी क्यू भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लाइन एल ने इन दो साइड्स को पी और क्यू पे काटा, तो पी क्यू एज ए लाइन सेगमेंट भी उसके पैरेलल हो गई। तो गिवन पॉइंट में हमको क्या मिला कि इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी के अंदर, ट्राइंगल एबीसी के अंदर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये तो हो गया गिवन पॉइंट, या लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी भी लिख सकते हैं, हो गया डन। प्रूव क्या करना है बोलो? बीपीटी को प्रूव करना है, तो बीपीटी हमको एक रेशियो देता है, That means हमको उस रेशियो को प्रूव करना है जो वो रेशियो वो देगा। तो पहले तो बताओ अगर PQ BC के पैरेलल है तो कौन सा रेशियो बनेगा? AP by PB equal to AQ by QC। यही रेशियो तो हमको प्रूव करके बताना है क्यों बनेगा, ये LHS RHS बराबर क्यों होंगे। लिख देता हूँ AP by PB equal to AQ by QC। चलें प्रूव करने की, और इसके लिए हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा वो सुन लो पहले ढंग से। कंस्ट्रक्शन में हम दो तीन चीजें करेंगे, सबसे पहले तो इजी चीज बता देता हूं क्या कंस्ट्रक्शन में है। इजी चीज ये है कि आप नीचे देखिए एक बार, नीचे ऊपर वाला तो देखो, जैसे मैंने लाइन बनाई तो ये ट्राइंगल दो फिगर्स में टूट गया,
ये फिगर नंबर एक, ये फिगर नंबर दो, बताओ ऊपर वाला फिगर अगेन एक ट्राइंगल है क्या? नीचे वाला फिगर क्या है? क्वाड्रिलेटरल में भी कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ट्रेपेजियम, जिसमें एक पैर, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो वो ट्रेपेजियम होता है। तो पी क्यू पैरेलल बी सी है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल भी है, ट्रेपेजियम भी है, ठीक है। तो आप इस ट्रेपेजियम के डायगोनल्स को कनेक्ट करोगे, एक कंस्ट्रक्शन पार्ट तो ये है, समझे क्या? ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम? जॉइन द डायगोनल्स, या जॉइन सीधे लाइन सेगमेंट लिख दो आप, कोई जरूरी नहीं है ये बताना कि डायगोनल्स है। जॉइन बी क्यू एंड PC, join BQ and CP, ये तो पहला construction का point हो गया। अब दूसरा सुनिए, दूसरा सुनिए, ऊपर जो triangle देख रहे हो आप APQ, ऊपर triangle देख रहे हो APQ, एक triangle में तीन sides होती हैं, तीनों side को base मानते हुए तीन heights बना दी जा सकती हैं, तीन altitudes इसको अपन कहते हैं। देखो इधर देखो, अलग से समझो, ये triangle है, अगर मैं इसको base मानूं तो ये height है, अगर मैं इसको बेस मानूं तो ये हाइट है, और अगर मैं इसको बेस मानूं तो ये हाइट है, और तीनों हाइट कॉन्करेंट होती है, मतलब एक ही पॉइंट से पास थ्रू होती हुई जाती है, ठीक है, और उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर। इनका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर कोई पूछे, हालांकि इस क्वेश्चन से उसका कोई लेना देना नहीं है, बट आपको जनरल नॉलेज के लिए याद होना चाहिए कि तीन अल्टीट्यूड्स या तीन हाइट्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है एक ट्राइंगल के अंदर, उसको क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड, ठीक है। तो आ जाइए, अब मैंने क्या कहा, तीन ट्राइंगल, तीन साइड्स को हम बेस मान के हम हाइट बना सकते हैं। तो आप ऊपर वाले ट्राइंगल APQ के अंदर एक बार AP को बेस बनाएं, एक बार AQ को बेस बनाएं। तो जब आप AP AQ को बेस बनाएंगे तो इस तरीके से हाइट बनेगी, टेल मी, परपेंडिकुलर, और जब आप AP को बेस बनाएंगे तो इस तरीके से हाइट बनेगी, टेल मी। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं, मतलब एग्जैक्ट नाप चोक नहीं करने बैठ जाना है कि 90 डिग्री बननी चाहिए, अंदाजे से आप बना सकते हो। तो लेट्स से इसका भी नाम रख देते हैं, नहीं इसका हम नाम रख देते हैं पी एम और क्यू एन। पी एम परपेंडिकुलर टू, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू ए क्यू, एंड क्यू एन परपेंडिकुलर टू, क्यू एन परपेंडिकुलर टू ए पी। गलत कर दिया क्या? PM AQ, दो अल्टीट्यूड्स बनाने, एक तो AP पे और एक AQ पे, इधर PQ पे नहीं बनाना, तीसरा नहीं बनाना, ठीक है, डन। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, अभी प्रूफ स्टार्ट नहीं किया, केवल उसके लिए क्या क्या सामग्री तैयार करनी हो सामग्री तैयार कर ली। अब ये फिगर कंप्लीट हो गया, अब इससे हमको वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। शुरू करें प्रूफ। अब जो जो मैं आपसे पूछूं उसका आप जवाब देते जाए। सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताएं, एक ट्रायंगल में अगर बेस गिवन और हाइट गिवन हो तो उसका एरिया कैसे निकालो? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, यस और नो? अब आपने एक बार बेस इसको लिया, एक बार हाइट इसको लिया, और दोबारा केस में आपने बेस इसको लिया और हाइट इसको लिया, और तिबारा केस में आपने बेस इसको लिया और हाइट इसको लिया, तो आपने तीन तरीके से बेस ले लिया, तीन हाइट ले ली, तो आप तीन तरीके से एरिया निकाल सकते हो। 1/2 इनटू ये वाला बेस इनटू इसकी हाइट, 1/2 इनटू वो वाला बेस इनटू उसकी हाइट, 1/2 इनटू ये वाला बेस इनटू हाइट। मेरा सवाल ये है, तीनों तरीके से एरिया अलग अलग मिलेगा या सेम मिलेगा? है तो उसी ट्राइंगल का ना, है तो उसी ट्राइंगल का। तो टेल मी, ऊपर ए पी क्यू ट्राइंगल में आपने एक बार ए पी को बेस माना है और क्यू एन को हाइट माना है, तो 1/2 इंटू ए पी इंटू क्यू एन इसका एरिया होगा, और एक बार आपने ए क्यू को बेस माना है और पी एम को हाइट माना है, तो 1/2 इंटू ए क्यू इंटू पी एम भी इसका एरिया होगा। तो ये दोनों एरिया सेम होंगे? होंगे, ठीक है, होंगे। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, इससे आप बिल्कुल एग्री करेंगे फिर तो, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस एक बार तो ले लिया मैंने एपी, तो एपी पे हाइट क्या बनी? क्यू एन बनी, और दोबारा मैंने यही ट्राइंगल का एरिया अगेन ले लिया दूसरे बेस को लेते हुए एपी क्यू का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगेन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगेन। तो अब की बार बेस ले लिया मैंने ए क्यू, तो ए क्यू पे कौन सी हाइट बना रहे हो आप? पी एम। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? लेट्स से ये हमारी हो गई इक्वेशन वन, एंड ये हो गई हमारी इक्वेशन टू। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब आप आ जाइए नीचे वाले ट्रेपेजियम में, ऊपर का हाल फिलहाल काम कर दिया है हमने, अभी बाद में वापस चलेंगे उस पर, लेकिन अभी एक बार आप ट्रेपेजियम में आ जाइए। तो नीचे ट्रेपेजियम में जैसे मैंने डायगोनल्स को कनेक्ट किया,
तो दो ट्राइंगल्स मुझे मिल रहे दिखाई दे रहे हैं यहां पे जो दोनों के दोनों पी क्यू बेस पे, चेक करो, दो ट्राइंगल्स ऐसे मुझे यहां पे दिखाई दे रहे हैं जो दोनों पी क्यू बेस पर हैं। वैसे तो दो से ज्यादा है लेकिन मैं जिन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं उसको आप कंसिडर करो। देखो एक है बी पी क्यू है क्या, दूसरा दूसरा है सी क्यू बी है क्या, है। ये दोनों ट्राइंगल पी क्यू बेस पे है या नहीं है, अब मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा क्लास नाइन्थ के कॉन्सेप्ट्स में। क्लास नाइन्थ में एक चैप्टर आया था जो इस साल तो कट गया है, तो उसका फल स्वरूप शायद अगले साल ये बीपीटी कट जाएगी दसवीं से। तो थैंक यू, बोल नहीं बोल नहीं बोलेगा ठीक है मत बोल तेरी इच्छा। चल देख इधर देख, अब टॉपिक सुन ले मायम। हाँ टॉपिक चैप्टर का नाम था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलो ये चैप्टर के नाम को छोड़ो, टॉपिक क्या था, टॉपिक ये था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पे दो ट्रायंगल बनाए, जैसे एक ट्रायंगल ये बनाया और इसी बेस पे एक ट्रायंगल ये बना दिया, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा क्योंकि सेम पैरेलल लाइन के बीच में फिट है वो और बेस भी सेम है। अब ऐसा का ऐसा लॉजिक यहां लग रहा है, ध्यान से देखो, दो सेम पैरेलल लाइंस दिख रही हैं आपको PQ, एक पैरेलल लाइन है PQ, दूसरी पैरेलल लाइन है BC, और PQ और BC पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस है PQ, तो एक ट्रायंगल तो बन रहा है BPQ, एक ट्रायंगल बन रहा है CPQ या CQP, तो ये दोनों का एरिया सेम होगा नहीं होगा, होगा, ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये तो एक इसका एक पार्ट था, दूसरा पार्ट अपन शुरू करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एरिया ट्राइंगल, मेरी इच्छा हो रही है मैं निकालूं एरिया ट्राइंगल एपीक्यू, क्या निकालूं मैं, एरिया ट्राइंगल बीपीक्यू, सॉरी बीपीक्यू, तो वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालते हैं, किससे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस और हाइट पहचानो, ट्राइंगल बी पी क्यू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालेंगे हम, इसका बेस और हाइट पहचान, बोलो पी पी क्यू, ध्यान से देखो इधर, एक साइड है पी पी, एक साइड है पी क्यू और एक साइड है बी पी बी क्यू, ये तीन साइड हैं। अब बेस और हाइट वही होगा, अगर सपोज करो मैंने पी क्यू को बेस लिया है तो बी से हाइट बननी चाहिए, अगर मैंने बी पी को बेस लिया है तो Q से हाइट बननी चाहिए, और तीसरी साइड कौन सी बच गई, अगर मैंने BQ को बेस लिया है तो P से हाइट बननी चाहिए। आप चेक करो उस फिगर के अंदर B से P से या Q से किससे हाइट बन रही है, B से बन रही है, B से D से क्यों क्यों से, देखो तेरा ध्यान से, ये जो हाइट बन रही है Q है, ये एक्चुअली BP पर है, क्योंकि उसी को आगे एक्सटेंड करूंगा तो उसी इसको बेस इस बेस को आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये उसकी हाइट होगी नहीं होगी। अब ये अभी समझने में मुश्किल लग रहा है ना, कोई बात नहीं उसको बोलो। अब एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को देखना जो मैं नीचे बना रहा हूं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल समझते हो ना, कुछ ऐसा होता है, होता है, बोलो, थोड़ा क्लियर बनाते हैं, यहां बना दो, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर लेट्स से ये बीसी है, तो इस BC पर आप हाइट बनाओगे इस A से, तो ऐसे बनेगी नहीं बनेगी, चेक करो उस ट्रायंगल से बाहर बनेगी उसकी हाइट, क्योंकि हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द ग्राउंड, हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द ग्राउंड, तो ग्राउंड लेवल तो ये है, A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसी तो बनाएंगे, अंदर थोड़ा बनाएंगे, अंदर बनाएंगे तो 90 डिग्री पे कनेक्शन नहीं होगा, तो ये इसकी हाइट होगी किसकी, BC की। आप कहोगे सर BC से तो उसकी बढ़ंती नहीं हो रही, फिर भी ये इसकी हाइट होगी, चाहे से इस परपेंडिकुलर की BC से इंटरसेक्शन हो या ना हो, ये BC को बेस मानेंगे तो A से हाइट ऐसे ही बनेगी। सिमिलरली इधर BP को बेस मानेंगे तो BP से इसका इंटरसेक्शन हो ना हो, हाइट इसकी QN की मानेंगे, समझे क्या। और दूसरे ट्रायंगल में जब मैं PC को QC को बेस मानूंगा तो उसकी हाइट क्या बनेगी, P से बनती हुई ऐसे, समझ गए, BP बेस की हाइट क्या है, बोलो QN, और QC बेस की हाइट क्या है,
समझ गए? तो इन दो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे नॉर्थ इनटू बेस इनटू हाइट से अगेन। चलो बेस और हाइट पहचान ही लिया आपने, ठीक है। तो हाफ इंटू, बोलो बेस क्या माना आपने इसका? क्या बेस आपको साइड में से कोई एक साइड माननी पड़ेगी, याद रखना बेस आपको इसकी तीन साइड में से कोई एक साइड माननी पड़ेगी। इसकी तीन साइड्स हैं बीपी, पीक्यू, बीक्यू, इन तीनों में से एक चीज को ही बेस मानना पड़ेगा, कोई चौथी पांचवी चीज नहीं मान सकते। हाइट उसके अंदर बाहर उसके ऊपर भी आ सकती है, लेकिन बेस या तो बीपी या पीक्यू या फिर पीक्यू, तीन साइड में से कोई एक साइड ही बेस का काम कर सकती है। तो हमने बेस का काम किससे करवाया? बीपी से करवाया। तो बीपी पे हाइट कौन सी बन रही है? क्यू एन। कोई डाउट है क्या? ओके अब दूसरा ट्रायंगल बताइए जरा। दूसरा ट्रायंगल बीपी क्यू के अलावा जो एक और आइडेंटिफाई हुआ था, क्या सी क्यू पी? सी क्यू पी है, सी क्यू पी। अब सी क्यू पी में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाए, पहले तो बेस पहचानो इसका, हाफ इंटू बेस क्या होगा इसका? सी क्यू होगा। तो सी क्यू पे हाइट बताओ ऋषभ, सी क्यू पे हाइट बताइए पी एम, ठीक है। डन, ये इक्वेशन वन थी, ये टू थी, इन दोनों को थ्री और फोर मार्क कर सकते हैं अपन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? बोलो नो। अब तीसरा और अंतिम स्टेज जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं उसी को हमको यहां पे लिखना है। क्या लिखना है हमको? कि ट्रायंगल, ट्रायंगल देखना कौन कौन से, ट्रायंगल बीपीक्यू एंड दूसरा कौन सा सी क्यू पी। दीज टू ट्राइंगल्स लाइ बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, लाइ बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। टेल मी द सेम पैरेलल लाइंस, व्हाट आर द सेम पैरेलल लाइंस? पी क्यू एंड पी सी। साथ में बेस भी कॉमन होना चाहिए एंड ऑल्सो ऑन द सेम बेस, और सेम बेस भी बताओ कौन सा है? पी क्यू। डन, तो अगर ये लाइन हमने लिख दी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट ये आएगा कि दोनों का एरिया बराबर आएगा। सो इसका रिजल्ट स्वरूप हम लिख सकते हैं कि एरिया ट्राइंगल बी पी क्यू, एरिया ट्राइंगल बी पी क्यू इक्वल टू एरिया ट्राइंगल सी क्यू पी। लेट से इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर फिफ्थ। यहाँ तो कोई डाउट? नो, ओके। उसमें तो देखो मेरी बात सुनो, इसमें तो LHS LHS बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शक्ल का है, तो है ही इक्वल। जब ट्रायंगल ही सेम है तो एरिया इक्वल है, यहाँ पे इक्वल ट्रायंगल अलग अलग है तो ये दोनों इक्वल होंगे किस लॉजिक से? होंगे लॉजिक कितना पर, अब वहां पे तो सेम ही है ना, तो सेम ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। इसको इसका कोई थ्योरम से मतलब प्रूव करना है अपने को? इक्वेशन तो अभी बना सकते हो, बना देंगे तो लिखता हूं। अब देखो आपके पास दो तीन ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो? इधर देखो इक्वेशन वन एंड टू से आप ध्यान से देखो, LHS LHS सेम है तो RHS RHS सेम कर दो। इक्वेशन फाइव कहता है कि ये LHS LHS सेम है तो इक्वेशन थ्री और फोर से भी RHS RHS सेम कर सकते हो। देखो इक्वेशन वन एंड टू की LHS LHS तो साफ साफ दिख रही है सेम, दो राय ही नहीं है तो RHS RHS एज इट इज इक्वल कर दें। इक्वेशन थ्री और फोर की LHS LHS सेम ही है, साफ साफ थोड़ा दिख रही है, इसके कारण से ये सेम है। इक्वेशन फाइव के कारण से इन दोनों की LHS LHS सेम है तो इनका RHS RHS इक्वल कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ये RHS इक्वल टू ये RHS, और फ्रॉम इक्वेशन थ्री फोर एंड फाइव इन तीन इक्वेशन की मदद से ये RHS इक्वल टू ये RHS हो सकता है। तो दो नई इक्वेशन बन जाएंगी, उन दोनों को डिवाइड कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन डिलीट कर रहा हूं, इसके लिए ये गिवन और टू प्रूफ डिलीट कर देते हैं। बोलो इक्वेशन वन एंड टू से पहले रिजल्ट लिख लूं क्या बना? बोलो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो इक्वेशन वन एंड टू के LHS LHS तो एज इट इज सेम दिखाई दे ही रहे हैं तो RHS इक्वल टू RHS लिख सकते हैं। और ध्यान से देखिए RHS में भी 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, समझ गए ना? तो आप चाहे से दो स्टेप में लिखे, मैं अभी डायरेक्ट लिख देता हूं क्या आएगा, AP इंटू QN। भाई आप तो ऐसे लिखना 1/2 इंटू AP इंटू QN इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन का RHS क्या है?
वन बाय टू इंटू ए क्यू इंटू पी एन, आपको ऐसे लिखना एग्जाम में तो। और अगली स्टेप में वन बाय टू से वन बाय टू काट देना, मैं अल्फा स्पेस की कमी इसलिए इसी स्टेप में काट देता हूँ। तो कुल मिला के एपी इंटू क्यू एन इक्वल टू ए क्यू इंटू पी एन मिल गया हमको। इसको अगली इक्वेशन मान, या अभी मान लेंगे, एक मिनट रुको, ब्रैकेट में पैक कर देते हैं। वन एंड टू से रिजल्ट मिले, अब थ्री फोर फाइव से रिजल्ट निकाल, इक्वेशन थ्री फोर फाइव से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर एंड इक्वेशन फाइव। तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, इससे ये रिजल्ट मिलेगा कि ये LHS इस LHS के बराबर है, क्योंकि इक्वेशन फाइव कहता है कि इन दोनों ये LHS LHS बराबर है, तो इक्वेशन फोर थर्ड एंड फोर्थ के LHS LHS बराबर है, तो RHS RHS भी बराबर होंगे। अगेन वही करना, पहले हाफ इंटू हाफ भी लिखना, फिर अगले स्टेप में हाफ इंटू हाफ को काट देना। तो बोलो क्या रिजल्ट मिलेंगे, बीपी इंटू इक्वल टू सी क्यू इंटू यही मिलेगा पी एम। अब जो ऊपर बना उसको अगली इक्वेशन, और उसको अगली, कौन सी नंबर की इक्वेशन हो गई है वो ऊपर वाली सिक्स और नीचे वाले। अब रेशियो कब बना सकते हैं हम, हमारा काम क्या था, अंतिम काम क्या था, रेशियो बनाना। रेशियो बनाने के लिए डिवीजन तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड इक्वेशन सिक्स डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेवन, सेवन इक्वेशन सिक्स डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेवन। नाउ इक्वेशन सिक्स डिवाइडेड बाय इक्वेशन, डिवाइड करने का मतलब हो गया इसका LHS पार्ट से LHS पार्ट डिवाइड करा और RHS पार्ट से RHS पार्ट डिवाइड करा। LHS पार्ट क्या है बोलो, AP into QN divided by, इसका LHS पार्ट क्या है बोलो, PP into QN, इधर आओ, RHS पार्ट बोलो उसका AQ into PM, और उसका RHS पार्ट बोलो वो जरा CQ into PM। तो ऐसा करने से इधर QN से QN खत्म और इधर PM से PM खत्म, क्या बचा AP divided by BP equal to AQ divided by CQ, यही प्रूव करना था, बोलो यही प्रूव करना था हमको फाइनली भाई। एपी और पीपी का रेशियो, पीबी को बीपी भी कह सकते हैं, बराबर है ए क्यू और क्यूसी के रेशियो के बराबर, प्रूव हो गया। तो बीपीटी के प्रूफ के अंदर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो, नहीं है कर सकते हैं हम अभी करवा लूं, बिना देखे कर सकते हैं विद इन 10 मिनट्स, क्यों 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 नहीं लाए, कोई पेंसिल नहीं लाता, कोई नोटबुक नहीं लाता, कोई बुक नहीं लाता, कोई पुरानी कॉपी घर छोड़ के आता है, लगता है कि आपके इस साल आप बोर्ड्स में बैठने वाले हो? नहीं मुझे तो नहीं लगता। चलिए सुनिए, इसको होमवर्क मार्क करिए, मतलब इस पोर्शन को होमवर्क मार्क करिए, घर जाके ट्राई करना है। अब एक बार जल्दी से क्विकली हम देख लेते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, उसका प्रूफ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो एक्चुअल थ्योरम क्या है वो तो देख लें, इसी की उल्टी थ्योरम है, ताकि हम कल से एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकें। सिक्स पॉइंट वन तो नहीं कर रहे ना, पहले 6.2 पकड़े हैं ना, सिमिलैरिटी के बारे में भी कुछ बात नहीं करेंगे, पहले बीपीटी को खत्म करेंगे, ठीक है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया देखने से तो ये सिमिलर फिगर्स के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, इसको एक एक्सरसाइज वो खत्म कर दे फिर बात करें, इसको भी छोड़ दो, सीधे बीपीटी पे आओ, हमने चैप्टर को जहां से स्टार्ट किया है। तो ये बीपीटी हो गई, इसका प्रूफ कर लिया हमने, है ना। हाँ जी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ लो बस एक बार, पढ़ो सब लोग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान दो। अगर एक लाइन जो है एक ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स को छू के निकलती है दो अलग अलग पॉइंट्स पे, और इस तरीके से छू के निकलती है कि उनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी रेशियो ऑलरेडी गिवन है, उनका सेम रेशियो में होना ये बात ऑलरेडी क्वेश्चन में या गिवन में पॉइंट्स में गिवन है, तो वो लाइन है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। जस्ट उसका उल्टा, उसमें लाइन पैरेलल गिवन होती है, रेशियो रिजल्ट होता है, इसमें रेशियो बना बनाया एज ए गिवन पॉइंट है, तो लाइन पैरेलल होना इस कन्वर्स ऑफ बीपीटी का रिजल्ट हो जाता है, समझे, ठीक है।
अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा, स्टेट स्टेट कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। स्टेट का मतलब होता है स्टेटमेंट देना, स्टेट का मतलब होता है स्टेटमेंट देना, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट देकर नहीं रुकेंगे, आप उसका फिगर बना के गिवन पॉइंट और रिजल्ट पॉइंट लिख, प्रूफ करने नहीं बैठेंगे, बट गिवन क्या है और उसका रिजल्ट क्या है, गिवन क्या है उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो देखो नीचे फिगर, आप इतना काम करके आएंगे स्टेटमेंट के क्वेश्चन में भी। अच्छा, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, बना हुआ नहीं है, ऐसे ही समझ लो। देखो क्या करेंगे, ट्राइंगल बना देंगे, करना तो वही है, फिगर तो सेम ही बनेगा, लाइन पैरेलल बना देंगे, बोलो लाइन एल जो कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे छू रही है, तो पी क्यू ले लो या कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी हो, ए बी सी ट्राइंगल का नाम ले लो। अब आप इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे कैसे, जो आपने स्टेटमेंट में लिखा है इसको मैथमेटिकली लिखना है ना, तो हमको स्टेटमेंट में गिवन पॉइंट क्या है कि रेशियो बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ इफ रेशियो बराबर है, रेशियो मतलब ए पी बाय पी बी या बी पी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी, ए क्यू बाय क्यू सी है, तो देन तो क्या होगा, तो लाइन एल क्या होगी, लाइन एल कह दो या फिर पी क्यू कह दो, है ना, एक ही बात है, पी क्यू लाइन एल इस पैरेलल टू क्या होगी, बी सी होगी। तो इतना करके आएंगे हम स्टेटमेंट में, ये फिगर बना के इसके गिवन पॉइंट्स और रिजल्ट वाले पॉइंट लिख के लाएंगे। अब यहां से ये हुआ कैसे वो प्रूफ करने नहीं बैठे, ठीक है, और ओरिजिनल प्रॉपर बेस बीपीटी आ जाए तो ये तो एक में चला जाएगा और वो देन में चला जाएगा, ये गिवन पॉइंट हो जाएगा और वो रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट बना के बता सकते हो कोई भी बीपीटी का, बोलो ईशानी, बीपीटी का स्टेटमेंट, शिविका नहीं, बीपीटी क्या कहती है बताओ, यस, दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो देखो अब हम बनाते हैं बीपीटी के स्टेटमेंट बनाते हैं, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल देन इट विल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स then it will divide the other two sides in the same ratio, या फिर then the other two sides are divided in the same ratio, ठीक है। फिर से एक बात, if a line is drawn parallel to any one side of a triangle intersecting the other two sides at two distinct points, then what happens, then the other two sides are divided in the same ratio, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, then that line will divide the other two sides in the सेम फिश, क्या नहीं हुआ याद, एक्चुअली याद तो करना है, क्या जो हो रहा है उसी को तो ट्रांसलेट करना है, ठीक है, ओके रुको रुको रुको, आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, हाँ तो लेट ही छोड़ूंगा मैं, लेट ही जाऊंगा, रुक तो जाओ 5 मिनट रुको, इधर देखिए, अरे बातें नहीं, पहले दूसरे क्वेश्चंस केवल और केवल कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, 5 मिनट में हो जाएंगे। 6.2 देखो, बातें नहीं, एक्सरसाइज 6.2 का है, पहले दूसरे क्वेश्चंस देखो, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं और प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस कल से करेंगे, ठीक है। क्या है पहले का पहला पार्ट देखो, क्या है, इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड, अच्छा दोनों पार्ट के लिए इंस्ट्रक्शन सेम है कि डीई पैरेलल बीसी, ये डीई पैरेलल क्या हुआ, पानी पीने की नौबत नहीं आएगी, 5 मिनट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, देख लो, डीई पैरेलल बीसी है, अगर डीई पैरेलल बीसी है तो कुछ आपको सेक्शन दिए हुए, जैसे ये सेक्शन 1.5 सेंटीमीटर का, ये सेक्शन 3 सेंटीमीटर का, ये सेक्शन 1 सेंटीमीटर का है, तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन के अंदर सेक्शन ईसी पता करना है, इसी की लंबाई पता करनी है, और दूसरे सेक्शन के, दूसरे क्वेश्चन के अंदर सेक्शन एडी पता करना है, यानी ऊपर वाली लंबाई पता करनी है, ठीक है। और दोनों ही केस में क्या है कि डीई पैरेलल बीसी है, इसमें भी डीई पैरेलल बीसी है, इसमें भी डीई पैरेलल बीसी है, क्या करेंगे, बीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। बीपीटी क्या कहती है कि अगर डीई पैरेलल बीसी है तो
अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, व्हाट आर द अदर टू साइड्स, ए बी एंड ए सी, इनको सेम रेशियो में डिवाइड करो जरा, ए डी बाय डी बी इक्वल टू, उधर बोलो सेम वही ए डी बाय डी बी इक्वल टू, लिख दूं मैं इधर, तो दोनों क्वेश्चन के लिए सेम रेशियो बन रहा है, ए डी बाय डी बी इक्वल टू बोलो ए बाय ई सी। तो इस रेशियो में क्वेश्चन नंबर वन के डेटा डालो, क्वेश्चन नंबर वन का डेटा डालो, ए डी की लेंथ कितनी है डिवाइडेड बाय डी बी की लेंथ कितनी है, ए ई की लेंथ कितनी है, ई सी पता करना है, ई सी पता करना है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ई सी इंटू 1.5 इक्वल टू 3 इंटू 1 यानी 3, तो ई सी की लेंथ आ जाती है 3 डिवाइडेड बाय, तो ये दो बार कट जाएगा 2 सेंटीमीटर पहले का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का डेटा डालिए जरा, एडी की लेंथ पता है क्या, नहीं पता करनी है, दूसरे क्वेश्चन में एडी की लेंथ पता करनी है, डीबी की लेंथ पता है 7.2, आगे बढ़ो, एई की लेंथ पता है 1.8 और ईसी की लेंथ पता है 5.4। अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी है, बैक पैक करने से पहले थोड़ा ध्यान दें, सीधे बैठो और यहां पे ध्यान दो। हाँ जी, एडी इंटू 5.4 इक्वल टू 7.2 इंटू वॉट 1.8, तो यहां से एडी की वैल्यू क्या आ जाती है 7.2 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4, 18 3 जा 54 और 24 3 जा 72, तो 2.4 से, ये कैलकुलेशन तो अब आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। अब सुनिए पहले क्वेश्चन को करने का दूसरी अप्रोच, पहले क्वेश्चन में हमने अभी कौन सी अप्रोच लगाई, दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय व्हाट, ये अप्रोच लगाई, तो हम चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे अप्रोच, वो तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन रेशियो ऐसे भी काम करेगा, लेफ्ट डिवाइडेड बाय राइट इज इक्वल टू नीचे वाला लेफ्ट डिवाइडेड बाय राइट, मतलब कॉलम टू कॉलम की जगह रो टू रो भी चल सकते हैं। देखो कैसे, 1.5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय, सर पर ये तो बीपीटी की तोहिन हो गई, बीपीटी ने तो ऐसा कहा ही नहीं था, देखो ध्यान से, बीपीटी की तोहिन नहीं हुई, बीपीटी ने क्या कहा था बताओ, बोलो इक्वल टू, अब जो मैं कह रहा हूं मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं है मुझे बताओ, मैं इस इक्वेशन के अंदर db को उधर न्यूमरेटर में भेज के ae को इधर डिनोमिनेटर में ला सकता हूं, कुछ गलत नहीं करूंगा, ये तो मैथमेटिकली सही है ना, बोलो तो क्या हो जाएगा, ad by इसको उधर भेजो, db by, अब चेक करो इधर, ad और ae तो लेफ्ट टू राइट चला गया और db by ec इस तरह का लेफ्ट टू राइट चला गया। अब देखो, अब आपको जो सरल लगे, देखो 1.5 से 1 का रिलेशन सरल नहीं लग रहा है तो भले आप ऐसे ही कर लो, देखो आपको कैसे पहचानना होता है, डेढ़ का दुगना कर रहा है, एक का भी दुगना होगा, आपको ये पिक करना है कि आप उधर से इधर आसानी से देख पा रहे हैं या इधर से इधर आसानी से देख पा रहे हैं, आप इसमें इधर से इधर आसानी से देख पा रहे हैं कोई बात नहीं, वैसे चलने दो, उस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, उस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आप इधर से इधर आसानी से देख सकते हो, 1.8 का 3 गुना है तो किसका 3 गुना 7.2 का, 0.4 का 3 गुना 7.2। सेकेंड क्वेश्चन जस्ट इसका कन्वर्स यानी कि अब आपको चेक करना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं है, ये इसका फिगर नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका फिगर नहीं है ना, इस फिगर को मत देखना, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, ई और एफ दो पॉइंट्स हैं साइड्स पी क्यू और पी आर पर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको चेक करके बताना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के या नहीं है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गया, अगर रेशियो स्टेब्लिश हो जाता है तब तो ये पैरेलल है, और रेशियो स्टेब्लिश नहीं होता है, मतलब साइड सेम रेशियो में डिवाइड नहीं होती है तो ये पैरेलल नहीं है, जैसे कि अच्छा ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर, ट्राइंगल क्या है बोलो, ये लो पी क्यू आर, अच्छा कौन कौन से पॉइंट्स किस किस पे पढ़ो, ई तो है साइड पी क्यू पे, ई तो है इधर डाल दो ई, और एफ है साइड, तो एक बार के लिए तो ये पैरेलल ही बना देते हैं हम, फिर आएगा नहीं आएगा देखते हैं, ये बना दिया हमने, अब डेटा पढ़ो, पीई की वैल्यू बोलो, ईक्यू की वैल्यू बोलो, पीएफ की वैल्यू बोलो, एफआर की वैल्यू बोलो, आप चेक करो रेशियो एस्टेब्लिश हुआ क्या, नहीं हुआ, 3.9 का 3 से रेशियो 3.6 से 2.4 का रेशियो के बराबर होता है, चेक करो 3.9 का 3 से रेशियो क्या होगा और 3.6 का 2.4 से रेशियो क्या होगा, ये तो चेक करना है,
तो 3.9 का 3 से रेशो कैसे, ये डेसिमल प्लेस को नीचे ले आओ तो 39 डिवाइडेड बाय एक डेसिमल प्लेस है इनटू 10 हो जाएगा, 3 से 1 टाइम, 3 से 13 टाइम्स, तो रेशियो क्या बना, इधर आओ डेसिमल से डेसिमल खत्म, 36/24 हो गया, और 36/24 को 12 से काटेंगे तो 3/2, क्या ये रेशियो सेम आ रहा है क्या? तो पहले क्वेश्चन में लाइंस पैरेलल, अब ये वाला उठाओ, सेकंड वाला उठाओ 4 और QE कितना है, ये तो है 4, ये है 4.5 और ये क्या है 8 और वो क्या है, अब देखो ध्यान से, इधर देखो ऊपर से नीचे अप टू डाउन की जगह लेफ्ट टू राइट ज्यादा काम कर रहा है, 4 का डबल 4.5 का डबल 100% पैरेलल है, तो जरूरी नहीं आप यूं चेक करो, आप यूं भी चेक कर सकते हो, बाकी के दो हो जाएंगे। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हो चुका है मेरी तरफ से, कल से अपन प्रूफ बेस्ड डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, गुड नाइट एंड बाय।